देवियों और सज्जनों, हम तीन कारणों से कथा कराते हैं। पहला तो हमारे पितरों को तृप्ति मिल जाए, दूसरा हमारा वर्तमान सुधर जाए, और तीसरा हमारी संतानों के जीवन में सुख उतरे। जयपुर के श्री आरडी बहेती परिवार मुख्य यजमान बने। वीरेंद्र अग्रवाल जी, बाबूलाल बजाज जी और सुभाष अग्रवाल के परिवार ने इस आयोजन को मूर्त रूप दिया। आइए, इससे पहले कि हम कथा में चलें, भाव और श्रद्धा से एक छोटे से भजन के माध्यम से भगवान का आह्वान करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, साथ में आप बोलिएगा। आइए, क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अपराध न हो इस सेवक से, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अपराध न हो इस सेवक से, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे दुख का अंबार बनूं, चाहे सुख का भंडार बनूं, चाहे दुख का भंडार बनूं, चाहे सुख का कुमार बनूं, चाहे सुख का भंडार बनूं। पर सभी परिस्थिति में भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। पर सभी परिस्थिति में राकेश शर्मा रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जो कुछ भी जग में आता है प्रारब्ध उसे दे जाता है, उसे दे जाता है। मैं लेतन उसमें हो जाऊं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं लेतन उसमें हो जाऊं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल
पल क्षण क्षण रहना तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में यह मानव तन जो पाया है हरि कृपा दृष्टि की छाया सब चंचलता छूटे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मन की सब चंचलता छूटे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे भगवान तुम्हारे चरणों में तुम ही गतिमति के विधाता हो मेरे मन के तुम याता हो इसलिए नाथ कह रहा यही रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में इसलिए नाथ कह रहा यही रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान क्या कहूँ प्रभु अंतर्यामी मेरे जीवन धन हो मेरे स्वामी क्या कहूँ प्रभु अंतर्यामी मेरे जीवन धन हो मेरे स्वामी मेरे जीवन धन हो मेरे स्वामी मुझ शक्तिहीन के सृहद रह ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मुझ शक्तिहीन के सत्य सुहद रह ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंच पे स्थापित भगवान बालकृष्ण लाल के स्वरूप भागवत पुराण को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्य आत्मा को सादर प्रणाम करते हुए। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी, श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चलिए कितना बढ़िया दृश्य है, ये प्रांगण पूरा भरा गया और आप सबने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। आइए कथा में चलते हैं। वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन ये महापुराण। जब किसी पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा होती है, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है और सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। ये वो महान और विशाल ग्रंथ है जिसकी पंक्ति पंक्ति में भगवान स्वयं उतरे हैं और भगवान ने कहा है, तू जान ले मैं कौन हूँ, तू कौन है। ये ग्रंथ हमारे मनभेद और मतभेद दोनों मिटा देता है। इसमें बीते कल की स्मृतियां हैं, आज का शोध है और भविष्य की योजनाएं हैं। 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ, जिसका मूल पाठ पंडित राधेश्याम शास्त्री वृंदावन से आकर कर रहे हैं और हम विशेष प्रसंगों की व्याख्या कर रहे हैं।
कथा सुनते सुनते हम 10वें स्कंद के पूर्वार्ध तक पहुंच गए थे। 12 स्कंद हैं, इसमें 5 आधार पे इस कथा को हम सुन रहे हैं। आज 5वां आधार भी जुड़ जाएगा। पहली चीज में भगवान का स्वरूप है, दूसरा ग्रंथों का सार है, तीसरा जीवन का व्यवहार है, चौथा दाम्पत्य के 5 सूत्र हैं और 5वां परमात्मा सचमुच स्वरूप बन के आ गए, कल जन्म हो गया। देखिए 5 सत्र में हम दाम्पत्य के 5 सूत्रों से परिचित हो गए। पहले दिन का सूत्र था संयम और संतुलन, दूसरे दिन का सूत्र था संतुष्टि सहयोग, तीसरे दिन का सूत्र था संतान और आज चौथे दिन का सूत्र है संकल्प। कल पूर्णाहुति के दिन समर्पण, आज का सूत्र है संकल्प। देवियों और सज्जनों, कथा सुनने के लिए न सुने, जीवन के रूपांतरण की तैयारी के साथ आपको कथा सुनना पड़ेगी, क्योंकि अगर केवल सुनने से जीवन बदला होता तो हमारा देश बैकुंठ हो गया होता। इतनी कथाएं होती हमारे देश में, किसी का कुछ नहीं बदलता। लोग कथा सुनते हैं और यही कथा को झाड़ के चले जाते हैं। अगर आप सचमुच इस कुंभ से कुछ ले जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिए। क्या संकल्प लेंगे ये आपको तय करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई कमी चल रही है, कोई कमजोरी है, कोई दोष है, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, संकल्प लेके छोड़ दें। यहां जो आप संकल्प लेंगे, जीवन भर याद रखेंगे कि एक बार कुंभ गए और ये संकल्प लिया था। इस समय अदृश्य शक्तियां, परमात्मा का रूप, माँ शिप्रा का वेग, बाबा महाकाल की कृपा बरस रही है, आपके संकल्प को जरूर पूरा करेगी। जब मैं लोगों से कहता हूं संकल्प लें तो कईयों को तो ये ध्यान ही नहीं आता है कि क्या संकल्प लें। चलिए मैं ही आपको कुछ प्रस्ताव दे देता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो। एक संकल्प ये ले सकते हैं कि प्रातः काल समय पर उठा करेंगे। एक संकल्प ये लें कि नियम से पूजा करेंगे। आपकी पूजा 10 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, जो भी करें पर नियम से करें। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति की आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए हैं। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।